बड़ा दुख है मेरे। एक मात्र विपक्षी सांसद प्रदेश के होने के नाते आप लोग के माध्यम से मैं बताना जानकारी प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूँ कि हमने तीन मुद्दों पे कहा था कि सरकार तीन मुद्दों पे चर्चा करेगी। पहला महंगाई और बेरोजगारी, दूसरा किसानों के मुद्दे और आंदोलन, और तीसरा जासूसी कांड। सरकार की तरफ से दो टूक जवाब मिला कि भाई महंगाई बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं कर सकते, किसानों के मुद्दे पे आप चर्चा नहीं कर सकते, और जासूसी कांड पे चर्चा नहीं कर सकते, आप चौथे पे चर्चा करें। तो हम मौसम के बारे में तो चर्चा करने गए नहीं थे। ये तीन मुद्दे अगर महत्वपूर्ण के हम अगर संसद में इन तीन मुद्दों के बारे में हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, अगर देश के किसान की और देश के गरीब आदमी की आवाज़ हम भारत देश की संसद में नहीं तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में लेके जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हमें बोलने तो ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मगर सरकार अपने कहीं ना कहीं राजहट पे, राजहट इसको कहा जाएगा, राजहट कहेगा या ऐसा अति अहंकार कहा जाएगा। पहली बार मैंने देखा, 16 साल मेरा भी तजुर्बा हो गया देश की संसद में, और देश की संसद में मुझे विपक्ष में होने के बावजूद मुझे जो है मेरे को एप्रिसिएशन मिली स्पीकर ने, आपने बताया, तो मेरा एक तजुर्बा है। पहली बार मैंने देखा कि संसद में सरकार के लिए चर्चा ही नहीं कराएंगे इन तीन विषयों। हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुमत है सरकार, प्रचंड बहुमत है, वो अपने बिल पास कराएगा, मगर जो कुछ विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं आप उनसे असहमत हो सकते हैं, मगर उस पर चर्चा करके जवाब देने में संसद और किस लिए बनी है? अगर केवल सरकार के बहुमत से बिल ही पास होने हैं संसद में तो वो तो बिना सत्र बुलाए भी हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता है उनके पास बहुमत ही है, वो तो फिर चर्चा की जरूरत ही नहीं है, वो तो घर से अपना डाक से वोट करा लो। इनके पास जब संसद बैठती है चर्चा के लिए बैठती है, या तो सरकार कह दे कि कोई महंगाई नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कह दे बेरोजगारी नहीं, या कह दे किसानों का कोई आंदोलन नहीं चल रहा। आज इकॉनमी फेल होगी, गरीब आदमी पे इतनी चोट पड़ी है सरकार की, किसान पे इतनी चोट पड़ी है सरकार, वो दर्द लेके हम अगर देश की संसद में नहीं जाएंगे तो वहाँ पे उनकी कोई जो है जो चाय पीने थोड़ी जाएगी सरकार की। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राय इस वजह से सरकार के राजहट की वजह से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।